नवरात्रि के त्यौहार को देखते हुए नर्मदा तट पर मछली, चिकन, मटन और शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए युवाओं को चक्का जाम करके प्रदर्शन करना पड़ा। युवाओं ने मांग की है कि इन दुकानों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। डिंडोरी में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर काली माँ की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। वहीं नर्मदा तट पर मछली, चिकन, मटन और शराब की दुकानें चल रही हैं। इन्हें बंद करवाने के लिए युवा प्रशासन से मांग कर रहे हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो युवाओं ने चक्का जाम किया। इन युवाओं का कहना है कि कम से कम नवरात्रि पर तो मांस मछली की दुकानें बंद कर दें, लेकिन ये दुकानदार और प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि मजबूरी में हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि नर्मदा तट पर आने वाले रास्ते के दोनों ओर मांस मटन की दुकानें लगाई गई हैं, जिसकी वजह से नवरात्रि में नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इन दुकानों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। देखिए, लगातार शिकायत मिल रही थी कि ये नर्मदा जी का जो रास्ता हमारा अवंतीबाई से पुल की तरफ के रास्ते में, दोनों तरफ कहीं ना कहीं मुर्गे और अंडे की दुकान और जो मीट की दुकानें लगती हैं, इसको लेके लगातार शिकायतें थी। हमने भी कई बार शासन प्रशासन को बताया, लेकिन शासन ने भी कई बार कार्रवाई की, अतिक्रमण हटाने का भी काम किया, लेकिन इन लोगों की जो जबरन मनमानी है और बार बार हटाने के बाद भी पुनः लगाने का काम है, इसको लेके आज यहाँ कुछ युवा हमारे आक्रोशित हो गए। चूँकि कल से हमारी नवरात्रि का पावन पर्व चालू हो रहा है और हमारे यहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमा विराजमान होने वाली है, इसको लेके सारे युवा आक्रोशित हो गए। मेरे पास भी फोन किया, इसलिए मैंने तत्काल यहाँ आकर नगर पालिका के जो परिषद के जो अधिकारी कर्मचारी और हमारा पुलिस बल है यहाँ पर, और आज भी ये पूरा जो अतिक्रमण और यहाँ पर जिस तरह से अवैध रूप से मीट मटन की जो दुकान है, मुर्गा मछली की जो दुकान है, इन सबको आज ही हटाने का काम किया जाएगा। और जबकि इनका जो मीट मार्केट बन गया है वहाँ पर लगातार ये लोग जा नहीं रहे वहाँ पर, और व्यापार वहाँ से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो इसको लेकर आज हम सब मिलकर इसको आज यहाँ से हटाने का काम करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि दोबारा ये लोग यहाँ ना लगाएं। मांगे ये हैं सरकार से कि हम लोगों को यहाँ पर पंडाल, इस बार से चैत की नवरात्रि पे माँ काली की प्रतिमा रखी जा रही है, उस विषय में हम 3 दिन से दुकान वालों से, अंडा मुर्गा वालों से निवेदन कर चुके हैं, हाथ जोड़कर कि आप लोग यहाँ दुकान बंद कर दो, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नगर पालिका, हमने कितनी बार फ़ोन लगाया, उसका आवेदन भी देखे आए, कलेक्टर साहब के पास भी गए, कलेक्टर साहब ने फ़ोन लगाया, नगर पालिका से कर्मचारी आते हैं वो अलग करा के चले जाते हैं, फिर शाम को फिर अपना ठेला लगा कर वो फिर अपनी दुकान खोल लेते हैं, और कहने में सर कुछ बोलते से नहीं है, बस वो लगाते रहते हैं, कुछ भी कर लो करते हैं, मतलब करते हैं, कहने पे कहते हैं कि आजू बाजू की दुकानें कर रहे हैं, आजू बाजू दुकानें लगी हैं उनको पहले बंद करो फिर हमको बोलना। अब हम किसके पास जाएंगे भाई, सरकार के पास नहीं है, किसके पास जाएंगे जब कोई प्रशासन हमारी बातें नहीं सुन रहा है, इसलिए हमने रोड में धरना दिया। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।